समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शाम को ग्राम बोरावां आकर मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू सहकारी शक्कर कारखाना परिसर सरवर देवला में पुष्पांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टेढ़े मेढ़े रास्ते पर संघर्ष करते हुए स्वर्गीय सुभाष यादव मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। वे यहां के लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहे। उन्होंने लोगों को जोड़ा और उनसे अपने गहरे रिश्ते कायम किए। उन्होंने राजनीति को समाज सेवा का माध्यम बनाया। उनके दोनों बेटे अरुण यादव और सचिन यादव भी यहाँ पर अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, गरीबों और किसानों की भलाई के लिए समर्पित होकर जनसेवा कर रहे हैं। इसके पूर्व इंजीनियरिंग कॉलेज जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोरावा के राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन के बाद छात्र छात्राओं से सीधे संवाद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर समाज और देश की सेवा करें। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव विशेष रूप से उपस्थित हैं। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आपका हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मां नर्मदा से कामना करते हैं कि अगले आने वाले समय में आप पुनः मुख्यमंत्री के रूप में हमारे अगर रिश्ते निभाने का। देखिए दादा, आपको भी काफी इसके बारे में इतिहास का पता है। हमारे बुजुर्ग तो पीछे बैठे हैं जो पिताजी के साथी हैं। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं इसकी मिसाल हिंदुस्तान में केवल एक ही व्यक्ति ने कायम की है और उनका नाम था स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के बड़े भाई आदरणीय अरुण यादव जी, विधायक आदरणीय पाटीलाल मेड़ा जी, पूर्व सांसद आदरणीय तारचंद पटेल साहब, मंच पर उपस्थित समस्त हमारे इस शुगर फैक्ट्री के संचालकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे परिवार के सभी हमारे सम्मानित जो संबंध रहा है, लगभग 40-45 साल पुराना संबंध, आज हम सबको, पूरे परिवार के लोगों को, पूरे निमाड़ वासियों को बड़ी खुशी हो रही है कि आदरणीय अखिलेश भैया जी ने आज इस धरती पर पधार करके उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। समय में उसका सहाया होगा। अभी पत्रकार साथी कुछ सवाल पूछ रहे थे बेरोजगारी को लेकर के। मैंने पत्रकार साथियों से कहा, यूपी में तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 100 में 4 बेरोजगार है, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से अपने आप को आगे समझता है। तो हो सकता है यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हो 100 में केवल 3 ही बेरोजगार है। इसलिए बीजेपी से सावधान रहना, जो बीजेपी कहेगी वो कभी नहीं करेगी। उनके तमाम ऐसे फैसले जो हमें और आपको याद हैं, ये वही लोग हैं जो सिलेंडर लेकर के चलते थे, लाल वाला सिलेंडर। आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है। जमीन की सरकार आई तो मामूली 400 या 500 रुपए का सिलेंडर, लेकिन आज कितने रुपए में गरीबों को खरीदना पड़ रहा है। और डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। हमारे किसानों का ये सही बात है, रेट मिल जाता है किसानों को गेहूं का, हमें कोई शिकायत नहीं है। शिकायत सरकार से ये है कि किसानों को अगर मिल रहा है कुछ लाभ, लेकिन जो किसानों से प्राइवेट लोग ले जा रहे हैं गेहूं, वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं। सवाल मुनाफे का है, क्योंकि वही लोग जब आटा पैक कर करके भेजते हैं तो सोचो मुनाफा कितना पाते होंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश का तो गेहूं जाने कहां चला गया, अभी तो जा रहा है। जहां आपका गया उन्हीं पे हमारा चला गया। इसलिए लड़ाई बड़ी है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग एक दावा करते थे कि उनका मित्र न जाने किस ऊंचाई पर पहुंच गया है, और मुझे लगता था कि 24 में हो सकता है वो वोट मांगने आए,
कि दुनिया में सबसे ऊपर कोई उद्योगपति है वो भारत का उद्योगपति है। लेकिन सोचिए एक रिपोर्ट ने क्या हवाला निकाला, क्या हवा निकाली, जब कोई उद्योगपति पता नहीं कहां पहुंच गया। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मित्र को नहीं छोड़ेंगे, उस मित्र को बुरे वक्त पे साथ देंगे, क्योंकि मित्र की असली पहचान तभी है जब बुरे वक्त पर वो खड़ा रहे साथ। इसलिए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने मित्र के साथ है कि जनता के साथ है। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सचिन जी का और अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, यहाँ जितने उनके साथी बैठे उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगा ही नहीं कि लखनऊ से चल करके मैं इतनी दूर आया हूँ। मुझे लगा कि ऐसे लोगों से मिलना हूँ जो कभी न कभी हमारे ही थे या हमसे ही मिले जुले लोग। इतना जो प्यार और सम्मान आपने दिया मैं इसका आभारी रहूँगा, और जब कभी अरुण जी और सचिन जी हम लोगों को समझेंगे अपनी बीच बुलाने के लिए, हम जरूर उनके साथ रहेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो हम उनके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भोपाल वाले और दिल्ली वाले इस राजनीति आज हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि एक फेक एनकाउंटर और उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपने फिल्मी डायलॉग को फिल्मी डायलॉग के मिट्टी से मिला देंगे, ये वो डायलॉग है जिन्हें संविधान पर कानून पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ये फेक एनकाउंटर, ये जिस तरह की घटनाएं मैंने आपको बताई हैं 5, 6, 6, 7 और सबसे ज़्यादा उंगली अगर उठी है फेक इनकाउंटर्स में देश में तो उत्तर प्रदेश सरकार पर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को दिए तो उत्तर प्रदेश को। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आगे हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। जब इतने बड़े सवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कभी कभी कानून व्यवस्था को लेकर के टिप्पणी करता है, सवाल उठाता है, पूरे देश में मुझे बताओ किसी मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हों, पूरे देश में कोई हमें बताए डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए हों। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुकदमे वापस लेने वाली सरकार, और आज तक ना 10 माफियाओं की सूची दी है ना 100 माफियाओं की सूची दी है। तो ऐसी सरकार केवल डायलॉग से चल रही है और अधिकारियों पर दबाव बना करके ये फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। जब कभी जांच होगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अपने आप कार्रवाई हो जाएगी। सुभाष यादव जी यहाँ के लोगों के बीच हमेशा रहे, उन्होंने अपना जीवन पूरा लगा दिया यहाँ की जनता की खुशहाली के लिए सेवा करते करते। यहाँ की ज़मीन हो, यहाँ के गांव हो, यहाँ के किसान हो, किसान कैसे खुशहाल हो, गरीब को कैसे सम्मान मिले, सुभाष यादव जी पूरे जीवन इसी के लिए संघर्ष करते रहे और राजनीति में ऊंचाई तक पहुँचे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका सपना जो गरीबों के लिए है उसको पूरा करने के लिए सचिन जी और अरुण जी दोनों लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर आसफ की आज सचिन यादव जिंदाबाद, आसफ की मौत जो एनकाउंटर करा, देखिए यूपी सरकार पे एक फेक एनकाउंटर की उंगली नहीं उठी है। आप याद कीजिए जिस पर बड़े आरोप थे और पुलिस के साथ बड़ा झगड़ा हुआ, जिसका हत्या हुई जिसमें पुलिस की, वो भी सरकार की नाकामी थी। और उसके बाद मध्य प्रदेश होकर के योगी को निकाल के फेंक दिया, जब उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था तो गाड़ी पलट गई थी। हर इंसान ने उस बात पर भरोसा नहीं किया। और अभी कानपुर में माँ बेटी उसको बुलडोजर से पहले झोपड़ी गिराई, आग लग गई और जलते जलते दोनों की जान चली गई। इसी तरह पुष्पेंद्र यादव की फेक इनकाउंटर कर करके जान ली। कानपुर में पुलिस ने कस्टोडियल डेथ में एक की जान ले ली। अभी बलिया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक नौजवान छात्र नेता, उभरता हुआ छात्र नेता, उसकी जान ले ली। बलिया में ही एक व्यापारी पर सूदखोरों ने इतना दबाव बनाया कि व्यापारी लाइव देकर के हत्या, उसकी जान चली गई। और आज हम लोग हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।